आज मैं जो है फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक हॉल वीडियो जो कि है वॉलेट का। और ये जो है आप लोगों का फेवरेट है, काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैंने 3 हॉल वीडियो वॉलेट के ऊपर बना रखी है जिसपे कि बहुत ही अच्छा और जबरदस्त रिस्पांस है आप लोगों का। प्लीज यार, और भी जो मैं हॉल वीडियो बनाता हूँ प्लीज उसे भी आप जाके जरूर देखना। कि आज का जो हॉल है ये पूरा जो है अमेजोन से होने वाला है। इसमें मैं ब्रांडेड वॉलेट कवर करने वाला हूँ और इसका प्राइस रेंज जो है 1000 से लेके 2000 के बीच में रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसा है हमारा वॉलेट। बात करें अपने सबसे पहले वॉलेट की तो ये एक कार्ड होल्डर है जो कि देख सकते हो कुछ ऐसा लगता है ऊपर से देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स थोड़ा सा डैमेज था, ऐसा ही डिलीवर हुआ था। बात करें इस ब्रांड की तो इस ब्रांड का नाम है एसपीजन और ये जो है इंडिया में अभी तक किसी ने भी रिव्यू नहीं कराया। मैंने यूट्यूब पे पूरा जो है सर्च करके देखा है, ये सारे आउट ऑफ इंडियन ने जो है रिव्यू कराया, तो मैंने सोचा चलो मैं कर देता हूँ। इसमें अप टू 12 कार्ड जो है कैरी कर सकते हो एक साथ। बाकी ये जो है RFID प्रोटेक्शन है, काफी अच्छा वॉलेट है और काफी ज्यादा छोटा है। और पीछे अगर आप देखोगे तो 3999 रुपीज जो इसकी MRP दी गई है। बाकी चलिए इसे हम निकालते हैं और देखते हैं कैसा है हमारा वॉलेट। बात करें अपने कार्ड होल्डर की तो ये जो है बस इतना छोटा है, मतलब आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है ये छोटा है। और ये जो है इसका साइज बस एक ATM कार्ड या फिर आप बोल सकते हो पैन कार्ड के जितना है, उतना ही छोटा जो है ये है। टोटल जो है 12 कार्ड रख सकते हो आप और एक ही साथ कुछ इस तरीके से जो है आप इसे देख सकते हो, तो इसके बीच जो है आप रख सकते हो इसमें जितना भी कार्ड आपको रखना है। ऐसे ही इसमें मेंशन किया गया है 12 कार्ड जो है ये कैरी कर सकता है एक साथ। उसके अलावा इसमें आप कैश भी रख सकते हो, मोर के कैश जो है आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंसा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे जो है एक अलग से रबर टाइप का दिया गया है जिसमें कि आप कैश फंसा सकते हो। तो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और कॉइन वगैरह के लिए इसमें कोई भी जगह जो है नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो है कार्ड होल्डर है। ये स्पेशली उनके लिए है जो बहुत ज्यादा कार्ड कैरी कर सकते हैं, कैशलेस हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। कार्ड में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। RFID प्रोटेक्शन है तो स्कैम का कोई भी जो इसमें खतरा आपको नहीं मिलेगा। ये प्राइम डे सेल में इसका प्राइस जो है 1700 के आसपास था, तो आप जो है चेकआउट कर लेना कि कब जो है आप परचेज कर रहे हो। बाकी ये था हमारा फर्स्ट कार्ड होल्डर, बाकी तीनों जो है वॉलेट है। तो बात करते हैं अपने सेकेंड वॉलेट की, तो वो आता है क्रॉस की तरफ से, जिसका बॉक्स आप देख सकते हो कुछ ऐसा लगता है देखने में। और मैं जो है इस ब्रांड का पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी काफी अच्छा बॉक्स है, इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है। और पीछे अगर आप देखोगे तो 2999 रुपये इसकी MRP दी गई है और यहाँ पे कलर वगैरह मेंशन किया गया है जो कि मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो अपना वॉलेट, ये ब्लू कलर में। इसके अलावा और भी कई कलर ऑप्शन है तो वो आप देख लेना कि आपको कौन सा पसंद है, ब्लैक है, टैन है, ब्राउन है, तो आप देख लेना। बाकी यहाँ पे जो है क्रॉस की ब्रांडिंग की गई है और पीछे देखोगे तो इसकी फिनिश काफी ज्यादा जो है अच्छी है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। इसके थिकनेस की बात करें तो देख सकते हो काफी ज्यादा जो है पतला है। अगर मैं इसे खोलूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है 4 कार्ड होल्डर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक नेट कंपार्टमेंट है, ऊपर भी जो है एक कार्ड होल्डर टाइप जो है पॉकेट आपको दिया जाता है। यहाँ पे दोनों साइड आपको जो है हिडन पॉकेट देखने को मिलेगा जो, बाकी अगर आप इसे कुछ इस तरीके से खोलोगे तो यहाँ पे फिर से जो है एक नेट पॉकेट दिया जाता है जिसमें कि आप आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कैरी कर सकते हो। और पूरे में जो है क्रॉस की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो। उसके अलावा फिर से जो है 4 कार्ड होल्डर है, तो 2 बड़े कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आप कैश कैरी कर सकते हो और उसके अंदर पूरे में जो है क्रॉस की ब्रांडिंग की गई है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और काफी ज्यादा लाइट वेट है और काफी ज्यादा स्लिम है, तो अगर आपको स्लिम वॉलेट पसंद है 1000 के आसपास तो इसके लिए आप जा सकते हो। और क्रॉस जो है बहुत ही अच्छा ब्रांड है और लेदर की क्वालिटी वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छी है। बात करते हैं अपने सेकेंड वॉलेट की, तो वो आता है रस्टिक टाउन की तरफ से। इसका बॉक्स देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है देखने में और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ लोगो है यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये भी RFID प्रोटेक्शन है तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर मैं इसे खोलूं तो यहाँ पे प्लोथीन में दिया गया है ये वॉलेट। ये है अपना 10 कलर का वॉलेट जो कि देख सकते हो काफी अच्छा लगता है देखने में। और इसकी स्टिचिंग जो है आपको दिखाई देगी ऊपर से ही, अगर आपको दिख रहा हो देख सकते हो आप, तो स्टिचिंग जो है काफी अच्छी की गई है, फिनिश जो है काफी अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लोगो टाइप का टी का दिया गया है और रस्टिक टाउन का लोगो है यहाँ पे, इनकी ब्रांडिंग की गई है और 10 कलर में है तो देख सकते हो काफी ज्यादा जो यूनिक लगता है। अगर आप इसकी थिकनेस की बात करोगे तो ये थोड़ा सा जो है मोटा है जैसा कि आप देख सकते हो,
और इस साइड से अगर आप देखोगे तो आपको मोटा दिखेगा और इधर से आप देखोगे थोड़ा सा पतला देखने को मिलेगा। बाकी इसे अगर हम खोले तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको एक कॉइन पॉकेट देखने को मिलता है जो कि देख सकते हो बहुत सारा कॉइन आप इसमें कैरी कर सकते हो, और उसके ऊपर भी एक पॉकेट देखने को मिलेगा देख सकते हो जिसमें कि फिर से कॉइन वगैरह या फिर जो भी चाहो आप कैरी कर सकते हो। उसके अलावा दो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हिडन पॉकेट दोनों साइड। यहाँ पे आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट कंपार्टमेंट जिसमें कि आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आप कैरी कर सकते हो, और अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे एक और देख सकते हो तो यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर दोनों साइड देखने को मिलेगा। तो इसमें भी जो है दो कार्ड होल्ड कर सकते हो और इस साइड भी दो, तो पूरे चार कार्ड होल्डर यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। उसके अलावा बड़े कंपार्टमेंट की बात मैं करूँ तो यहाँ पे दो बड़े कंपार्टमेंट दिए गए हैं, और इसके अंदर जो है कोई भी रस्टिक टाउन की ब्रांडिंग वगैरह नहीं की गई है। ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए, इसके लिए भी आप जा सकते हो, पर इस बात का आप ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा जो है मोटा पड़ेगा आपको। बात करें अपने फोर्थ एंड फाइनल वॉलेट की तो वो आता है टाइटन की तरफ से, जिसकी मैंने जो है पहले भी रिव्यू कर रखी है वॉलेट की। बाकी यहाँ पे जो है टाइटन की ब्रांडिंग की गई है, फाइन लेदर वॉलेट लिखा गया है। पीछे जो है इसकी MRP दी गई है 1749 रुपये, और इसका प्राइस भी जो है 1000 के आसपास ही पड़ता है। खोल के इसे दिखाऊं तो यहाँ जो है कुछ इस तरीके का एक दिया गया था जो कि डब्बा से अटैच किया गया था। यहाँ पे टाइटन की ब्रांडिंग की गई है, फाइन लेदर वॉलेट लिखा गया है, ये देख सकते हो अपना वॉलेट। तो ये थोड़ा सा जो है हैवी है, बाकी यहाँ पे जो है टाइटन की ब्रांडिंग की गई है, और ऊपर से आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, काफी अच्छा लगता है। और हाफ में प्लेन लेदर, फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो फिनिश भी काफी अच्छी की गई है, स्टिचिंग वगैरह में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और पीछे भी अगर हम देखें तो काफी अच्छी स्टिचिंग है। और अगर ये देखते हो आप तो ये जो है काफी ज्यादा इसे अलग बनाता है दूसरे वॉलेट से। बाकी अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो है चार कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे कार्ड के लिए, इस साइड भी तीन कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस साइड खोलूं इस कुछ इस तरीके से ये इस साइड होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक कॉइन पॉकेट, नीचे जो है जेन्युइन लेदर लिखा गया है, और यहाँ पे एक नेट कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है जिससे कि आप ट्रांसपेरेंट कंपार्टमेंट भी बोल सकते हो, और यहाँ पे एक वारंटी कार्ड भी दिया गया है, और यहाँ पे सारी चीजें जो है आप फुलफिल कर दोगे तो ये जो है लीगल हो जाएगा। और ये टाइटन में ही सिर्फ दिया गया है, तीन वॉलेट इससे पहले मैंने करी उसमें कोई भी जो है वारंटी कार्ड वगैरह नहीं दिया गया था, तो सिर्फ टाइटन में है। तो टाइटन काफी ज्यादा जो है अच्छा ब्रांड है। और अगर आप बड़े कंपार्टमेंट की बात करोगे तो दो बड़े कंपार्टमेंट इसमें जो है दिए गए हैं, और पूरे में जो है टाइटन की ब्रांडिंग की गई है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन चारों वॉलेट में से कौन सा पसंद आया। बाकी इनमें से आपको कोई भी पसंद हो तो अमेजोन से इजिली परचेज कर सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हॉल वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ यार हॉल वीडियो और भी देखा करो, क्योंकि सिर्फ वॉलेट का वीडियो जो है चल रहा है, बाकी सारे पे जो व्यूज़ नहीं आती है, तो प्लीज़ आप उस पर भी थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपना, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी हॉल वीडियो बना सकूं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।